समय सुबह 8:30 बजे। विनोद बात कर रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड दीपक कलाल के साथ। यार क्या लाइफस्टाइल है इस बंदे की भाई, देखा क्या तूने यार? 1000 डिजाइनर शर्ट है उसके पास, मस्त लाइफ है यार भाई। 340 तरीके के डिजाइनर शूज हैं, ईच शू इज कॉस्टिंग मोर देन 20,000। और यही नहीं भाई, कभी एम्स्टरडैम घूम रहा है, कभी अर्जेंटीना घूम रहा है, कभी अरब कंट्रीज घूम रहा है, कभी न्यूयॉर्क घूम रहा है। भाई लाइफ हो तो ऐसी हो यार, हद तो ये है भाई। उसके पास 12 लग्जरी कार्स है, मर्क है, BMW है, बॉस वो तो लाइफ ऐसी। जिस पे दीपक रिस्पॉन्ड करता है, भाई बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई, अपने AP का, आंध्रा का बिल गेट्स कहते हैं इज अ यूथ आइकन फॉर एवरीवन। कॉलेज बुला रहा है सारे यंगस्टर्स, 15-20 साल के बच्चे एक्साइटेड है भाई, लाइफ हो तो ऐसी हो। बात करते करते 9:15 बजते हैं, जिस पे अचानक से दीपक टेंस्ड आता है वो टीवी खोल के, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो जिस पे सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है, विनोद भाई क्या हो गया? भाई टीवी पे देख यार, मेरे पास ना इस ये कंपनी के शेयर है 158 पे था, अभी ये 127 और 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स 123-120 पे आ गया। हो क्या रहा है भाई? भाई खोल टीवी। और जब इनने टीवी खोला तो इनके पैरों तले जमीन निकल गई। जिस व्यक्ति की वो बात कर रहे थे उसने ओपनली डायरेक्टर्स को लेटर लिख के कन्फेस किया है कि लास्ट 24 ईयर से मैं कुछ और नहीं, मैं कर रहा था एक बहुत बड़ा स्कैम जो बड़े बड़े लोग नहीं पहचान पाए, जिसके कारण मार्केट में पैनिक बना हुआ है। और ये शेयर अगले दिन 158 के जगह 6.5 रुपीस पे मिलने वाला है। को पैसा बर्बाद। दोस्तों मैं बात किसी और चीज की नहीं, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश की सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल, विच इज अगेन सेटिंग एन एग्जाम्पल दैट वाई पीपल शुड नॉट फॉल फॉर ग्लैम, वाई पीपल कैन बी इजिली मैन्युपुलेटेड बाय शोइंग ग्लैमरस स्टफ। मिस्टर राजू, रामलिंगन राजू जी हाँ, जो इनके पीछे थे, द मैन हु एक्चुअली डिड दिस एंटायर क्राइम, इनने कन्फेस करा एक लेटर लिख के कि हमने पिछले 20-24 साल से जो भी चीजें दिखाई हैं वो कंप्लीट फ्रॉड है। मजे की बात है, इनको हमारे देश का बिल गेट्स कहते थे। इनको कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए बेस्ट अवार्ड जस्ट 4 महीने पहले एक इंटरनेशनल कंपनी ने, एक इंटरनेशनल एजेंसी ने दिया था कि भाई कॉरपोरेट गवर्नेंस हो तो ऐसी, ये है हमारे इंस्पिरेशन। सारा यूथ बावला था कि भाई हमको तो यही बनना है, और अब सबके होश उड़ गए थे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिकॉज आज हम समझेंगे सत्यम का स्कैंडल। ओहियो यूनिवर्सिटी से अपना MBA करने के बाद मिस्टर राजू अपने देश आए। ये एक किसान की फैमिली से हैं, फार्मर फैमिली से थे। इनके फादर ने देखा कि इनका थोड़ा रुचि है रेस्टोरेंट बिजनेस में, तो इनने थोड़ा हेल्प करके इनने अपनी रेस्टोरेंट बिजनेस खोली। उसके बाद वो इतना कुछ खास नहीं चला। विद इन अ फ्यू मंथ्स ही गॉट इंस्पायर्ड बाय द लेट धीरूभाई अंबानी। ऑल दोज पीपल हु वर इन 80s एंड 90s, इट्स नो सरप्राइज कि हर कोई लेट धीरूभाई अंबानी सर से बहुत इंस्पायर्ड होता था। तो उनको देख के इनने कॉटन का बिजनेस खोला। जिन लोगों को नहीं पता, रिलायंस पहले कॉटन के बिजनेस में थे, टेक्सटाइल्स। सो उनने वो खोला, वो भी इतना नहीं चला। और उसके बाद वो एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में घुसे, वो भी खासा नहीं चला। अगर आप टेक्निकली देखो तो वो कवर कर रहे थे द 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आर कंट्री। क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। सब कहते हैं कि भाई इस पे बिजनेस किया तो आपका पैसा तो बन नहीं है, एंड दैट इज प्रिसाइजली व्हाट ही डिड। रोटी, कपड़ा, मकान में उन्होंने लगाया। बट 85-86 के बीच में इनके फ्रेंड के साथ डिस्कस करते करते इन्होंने एक चीज देखी दैट द नेक्स्ट बिग थिंग इज गोइंग टू बी IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ग्लोबली काफी सारी चीजें वहां पर हो रही थी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही डिड। 1987 में 10 इंजीनियर्स के साथ मिलके इनने बनाया सत्यम कंप्यूटर्स। बट पता है, अगर आपके दिल में बेईमानी होती है तो आप उसकी प्रिपरेशन पहले से करते हो, एंड दिस इज प्रिसाइजली व्हाट ही डिड। ठीक एक साल बाद 88 में उनने फॉर्म किया मेटियस इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटियस कंस्ट्रक्शन। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज यहां पर बताता हूं, उनने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि सीधा काम होगा सत्यम के नाम से, उल्टा काम, जो गलत काम होंगे वो मेटियस के नाम से। थोड़ा नाम को गौर कीजिए, मेटियस क्या है ये? अब इंग्लिश में सत्यम सोचिए, SATYAM, उसको उल्टा कर दीजिए तब बनता है मेटियस।
तो इनने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो मुझे उल्टे काम करने, दिमाग देख रहे हो भाई साहब, दिमाग, जो उल्टे काम करने, आई विल बी डूइंग इट थ्रू मेडियस एंटरप्राइज. ये प्योरली कंस्ट्रक्शन के लिए, प्योरली रियल एस्टेट और इन सारी चीजों के लिए था. उस समय पे हैदराबाद मेट्रो के काफी प्रोजेक्ट आने वाले थे जिसकी इनको खबर पहले लग गई थी. एंड ही न्यू दिस थिंग कि यार आसपास की अगर मैंने जमीन धड़ाधड़ खरीद ली तो भैया लाइफ में पैसा ही पैसा होगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही थॉट कि भाई मैं जल्दी से जल्दी ये चीज कर लेता हूँ. तो ये मेटियस के थ्रू वो सारे एक्वायर करने लग गए. लेकिन एक प्रॉब्लम आई, पर प्रॉब्लम से पहले एक इनका ब्रेक थ्रू आया. आपको जान के हैरानी होगी, मोर देन 150 टू 180 फॉर्च्यून 500 की कंपनीज इनकी क्लाइंट थी. यस, फॉर्च्यून 500, जिसके बड़े बड़े लोग इतनी सारी चेकिंग करते हैं, वो इनकी क्लाइंट थी. तो अब सवाल उठता, भैया ऐसे कैसे? इनका ब्रेक थ्रू आया था Y2K के टाइम पे. 2000s में माना जाता था कि सारे दुनिया के कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द टाइम जोन. उस समय पे जहां पर भी जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स होते थे उनके टाइम 01, 02, 03, टाइम इन द सेंस डेट चलता था. तो 99 तक तो 99 हो गया था, 2000 आते वक्त 00 हो जाता. कैसे? जैसे 1999 तो वो 99 हो गया, एंड में जो हम ईयर लिखते हैं 1998 हो गया, लेकिन 2000 में वो 00 हो जाएगा. तो डर ये बैठ गया कि इसके आगे का तो इंजीनियर्स ने और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने प्लान ही नहीं किया था. भाई ये तो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर्स क्रैश हो जाएंगे क्योंकि सारे सिस्टम, किसी का बिलिंग साइकिल चल रहा है, किसी के ये चीजें चल रही. इसी के कारण डर के मारे काफी सारे लोगों ने उस समय पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक नहीं किए. तो उनको डर था कि भैया होटल में गए 10,000 की जगह 50,000 का बिल नहीं आ जाएगा क्योंकि कंप्यूटर पागल हो जाएगा, इसलिए बहुत लोग घर पे बैठे थे. और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए इनके टीम ऑफ इंजीनियर्स ने काफी अच्छा काम किया था, एंड दैट इज वाई ही गॉट द फर्स्ट फेम. बट जैसे Y2K का नेम फेम फेड होने लग गया, ही रियलाइज्ड कि भैया पैसा तो इस तरह नहीं आएगा, तो अपन क्या करें, क्या करें, क्या करें. लिस्टिंग तो हो गई थी 91 में अपने एक्सचेंजेस पे, इंडियन एक्सचेंजेस पे. एंड 2000-2001 के क्रेज के बाद, क्योंकि बिलियन डॉलर के प्रॉफिट्स दिखा रहे थे, शेयर होल्डर भी खुश है, भैया पैसा ही पैसा, मजा है, ये तो इधर से भी और डबल होगा, ट्रिपल होगा. जिस तरह आजकल भी कुछ शेयर्स के लिए लोग कहते हैं बावले होके कि नहीं ये गलत हो ही नहीं सकते वैसे ही. सो इस तरह का अगर कोई शेयर जानते हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये थे. बट कुछ लोगों को इन पर डाउट था कि यार बाकी कंपनीज इतनी जल्दी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, ये कैसे कर रही है, ऐसा क्या कर रही है. और ऊपर से इनका मेटियस भी बहुत ही थोड़ा सा शेडी था. कैसे, अब मैं बताता हूँ. इनने एक्चुअल में 342 से भी ज्यादा कंपनीज फॉर्म करी, छोटी छोटी विद सीएस एंड ऑल. इसके थ्रू ये पैसे का पूरा ट्रांजैक्शन एंड सर्कुलेशन करते थे, मेटियस की प्रॉपर्टीज भी खरीदते थे. अब ऑब्वियसली ये कंपनीज है, तो कंपनीज आपको समझना है, जब भी ये एक्सपेंसेस दिखाते हैं तो उनको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है. एक्सपेंस दिखाने के लिए और पूरी तरीके से इसको लेजिट दिखाने के लिए इनने इसमें बहुत सारे, इन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज भी रखे थे. अब जान के हैरान हो गए, इन 342 कंपनीज के डायरेक्टर्स की सैलरी मात्र 4,000 से 5,000 थी. अब बोलोगे अरे कौन सा डायरेक्टर काम करेगा भैया 4,000-5,000 में. कैच ये है कि भैया इनने डायरेक्टर, इनके फार्म हाउस है ना, जो इनके फार्म्स थे, इनके पिताजी करते थे, उधर जो काम करते थे वो डायरेक्टर है. इनके चौकीदार एक कंपनी के डायरेक्टर है, तो ये लोग ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, सैलरी से मतलब है, वो तो मिल जाती है इनको. तो किसी तरह ये ना पूरी तरीके से पूल कर रहे थे. और इनने खुद के बहुत सारे फर्स्ट अकाउंट्स भी बनाए थे मनी सर्कुलेशन के. अब ये मनी आता कहाँ से था, ये ध्यान से सुनिए. इनको एक चीज़ समझ में आ गई कि अपन की कंपनी लिस्टेड है, तो किसी तरह अगर मार्केट में परसेप्शन बनाया जाए दैट सत्यम इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, तो शेयर होल्डर तो ये शेयर्स खरीदेंगे. शेयर होल्डर शेयर खरीदेंगे तो हमारे शेयर की वैल्यूएशन बढ़ेगी. शेयर की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो हम शेयर बेचेंगे. शेयर बेचेंगे तो उसी पैसे से हम प्रॉपर्टी खरीदेंगे. प्रॉपर्टी खरीदने के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी. प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी हम बेचेंगे. जो ऊपर का आया वो हमारा मार्जिन, जो बीच का रहा वो हम कंपनी में डाल देंगे, तो जो गैप है वो भी फिल हो जाएगा. अगर समझ में नहीं आया तो इसको वापस रिपीट में सुनो, ईजी शब्दों में बताया है भैया जी, आप तो समझ जाओगे. सो बेसिकली इनके दिमाग में यही प्लान था कि इस तरीके से मैं पूरा गेम सेट कर दूंगा. गेम तो काफी अच्छा था क्योंकि यूजुअली हिस्टोरिकली देखा गया है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते ही हैं, रियल एस्टेट के प्राइसेस घटते नहीं हैं. लेकिन पता है, आप गलत कुछ करते हो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कहीं ना कहीं से आपको पड़ती है चमाट. और इनके साथ भी यही हो गया. इनके लिए प्रॉब्लम आई लेहमन ब्रदर क्राइसिस, जो 2008 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ.
उसके चक्कर में डिप्रेशन आने लग गया था रियल इस्टेट्स में, और वो चीज़ ग्लोबली फैली, जिसके कारण जो ज़मीनें ये खरीद रहे थे 20,000-30,000 स्क्वायर फीट में, वो आधे आधे दाम की होने लग गई। फियर बढ़ने लग गया, भाई जिस पे हम खरीद रहे हैं वो भी ऐसी चीज़ नहीं है, अब तो मेटियस अगर जाएगा तो हम इधर क्या दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अपनी सत्यम कंपनी पे तो ये दिखा देते थे, फॉर एग्जांपल अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट होता था तो ये 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखा देते थे, 50 करोड़ का होता था 500 दिखा देते, 100 करोड़ होता था 1000 करोड़ दिखा देते थे। यहाँ पर इनने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करी थी, हर कंपनी का, एस्टैब्लिश्ड कंपनी का एक MIS सिस्टम होता है, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जिसके कारण कि हर जो इंडिविजुअल डिविजन्स होता है, डिपार्टमेंट होते हैं, उनका रिपोर्ट रहता है। फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है आईटी का, तो उधर कितना फंड एलोकेट किया गया, क्या परफॉर्मेंस है, उसके हेड को सब पता रहता है कि हाँ सर ये मार्जिन चल रहा है, इस तरह से ये प्रोसेस चल रहा है, हमारा एग्जीक्यूशन इतने टाइम पे हो जाएगा। लेकिन सत्यम में ये पूरा MIS सिस्टम भी फज कर दिया गया था मिस्टर राजू द्वारा, इनने अपने हिसाब से बना दिया था ये। इसमें मजेदार चीज थी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनके हेड्स तक को नहीं पता रहता था कि उनके डिपार्टमेंट कितने प्रॉफिट में, कितने घाटे में, कितना रेवेन्यू आ रहा है, सिर्फ मिस्टर राजू को पता रहता था। दूसरी चीज है कि राजू सर MIS सिस्टम में अपने हिसाब से कुछ भी एंट्री भी डाल सकते थे, तो फॉर एग्जाम्पल उनको दिखाना था कि इस प्रोजेक्ट को और 1000 करोड़ की फंडिंग मिली है, टक 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 डाल के वो दिखा देते थे ऐसा। तो इनने अकाउंटिंग फ्रॉड तो कर ही रहे थे, साथ में इंसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे, बिकॉज जब भी ये किसी के साथ एस्टैब्लिश करने वाले थे कोई भी फर्म, बॉन्ड वॉन्ड, तो उनको पता था मार्केट ऊपर जाएगा, उसी टाइम पे इंसाइडर ट्रेडिंग अपने ही शेयर्स में ट्रेडिंग करके इनने करीब करीब 1200 करोड़ तो इनने ऐसे ही कमा लिए थे अपने ही शेयर्स में इंसाइडर ट्रेडिंग करके। तो ये इंसाइडर ट्रेडिंग का भी ये करते थे। तीसरी चीज़ ये थी कि ये इन्फ्लेट करते थे अपने प्रॉफिट्स को, टाइअप्स को, ये सारी चीज़ें इन्फ्लेट करते थे, जिसके कारण शेयर मार्केट में उनके वैल्यू बढ़ती रहती थी। उस समय पे अगर किसी ने ध्यान से इनके बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होता, तो उनको समझ में आ जाता कि बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जो कंपनी के बाहर हो रहे हैं, अननोन कंपनीज को करोड़ों में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आना जाना हो रहा है। बट क्या रहता है कि जब माहौल अच्छा रहता है, बाजार फॉर्म में रहता है, जब आप इंस्पिरेशन है सबकी, तो कोई स्लाइट डाउट भी नहीं करता कि दिस कुड बी अ पॉसिबल स्कैम। लेकिन जो 2008 का जब बबल फटा, उस चक्कर में इनके प्राइसेस घटे, तो इनको समझ में आ गया कि भाई अब 12 बजे की, अब तो कुछ सोचना चाहिए। लेकिन जो बोलते हैं ना कि एक स्कैम करने वाला इतने आसानी से हार नहीं मानता, तो उसने कमबैक किया, ही डिड अ कमबैक, कमबैक करने का आखिरी कोशिश। वो क्या था, उनने बोला कि यार मैं सत्यम को ओवरटेक करते हुए दिखाता हूँ मेटियस इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड मेटियस कंस्ट्रक्शन, बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करवा के इसको फटाफट ये कर लेता हूँ, तो इससे दो चीज़ होंगी, वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ भी अपने अंदर आ जाएंगी, जो गैप है क्योंकि सत्यम तो प्रॉफिट कमा नहीं रही है, यहाँ से मैं वो गैप फिल करवा दूंगा, प्लस प्रॉफिट तो नहीं बट नॉर्मल, नो प्रॉफिट नो लॉस में इधर बच जाऊंगा। बट ये चीज़ बैकफायर कैसे हो गई कि शेयर होल्डर्स को इस पर थोड़ा डाउट होने लग गया कि भाई ये क्या, ये हमसे बिना अप्रूवल लिए फटाफट रेजोल्यूशन कैसे पास कर दिया, तो इस पर हंगामा हो गया, जिसके कारण ये चीज़ पूरी तरीके से अप्रूवल नहीं हुई। एंड मिस्टर राजू 3-4 रात तक सोच सोच के जब परेशान हो गए कि भाई क्या हो रहा है यार, गए लगती है हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गया, तो अब तो शायद मुझे कन्फेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी हार नहीं, आखिरी एक और अटेम्प्ट, DSP के मिस्टर कोठारी साहब, जी हाँ पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता, हर स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, केतन स्कैम, लास्ट आप जितने भी स्कैम देखो ये कहीं ना कहीं, इवन DHFL का स्कैम, यस बैंक का स्कैम, कहीं ना कहीं इनका नाम क्यों हुआ था मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बट मिस्टर कोठारी साहब के पास ये गए, उनको बताया कि बॉस देख भाई हो गया है, रायता तो फैल गया, इस तरह से सीन हो गया, कुछ कर सकते हो तो बताओ, एक काम करो तुम टेक ओवर कर लो, वैसे भी तुम वैसे फालतू बहुत सारी कंपनीज टेक ओवर कर ही लेते हो, तो ये वाली भी कर लो यार, ऐसा ऐसे क्या कर रहे हो। जिस पे की इस बार इंटीग्रिटी मानी, कोठारी साहब ने कहा बेटा तुम तो बहुत ही गंदी तरीके से दलदल में फंसे हो, मैं ये तो नहीं करूँगा, 4 दिन बाद मैं जा रहा हूँ बेबी के पास और तुम्हारी मैं करने वाला हूँ शिकायत। तो भैया दोस्त दोस्त ना रहा, वो वाला सीन हो गया। तो अब राजू भाई साहब को पता लग गया ये चीज़ तो आने वाली है, इससे पहले कोई दूसरा हम पे कीचड़ उछाले अपन खुद ही कन्फेस कर लेते, और इसीलिए इनने लेटर लिखा, 2 दिन के अंदर 6.5 रुपीज़ में इनका शेयर आ गया, एंड दिस वॉज हाउ द सत्यम स्कैंडल टुक प्लेस। ठीक उसी के बाद
बिडिंग वॉर चालू हुई बिटवीन एलएनटी एंड टेकम कि इस पे कौन स्टेक लेगा, बिकॉज गवर्नमेंट डिडंट वांट कि इतनी बड़ी फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी ऑफ अवर कंट्री शुड एक्चुअली गो डाउन. तो इसी चक्कर में इसकी बिडिंग करी, बिकॉज गलत मैसेज पहुंचता है जिसमें एलएनटी को पीछे छोड़ दिया टेकम ने अराउंड 58 रुपीज़ के आसपास, जिस दिन टेकम का शेयर करीब करीब 16 या 17% ऊपर चढ़ गया. एंड दिस इज हाउ सत्यम के एम्प्लॉयज बचे एंड दिस गॉट मर्ज्ड इनटू टेकम. शेयर होल्डर्स को भारी नुकसान हुआ. जो लोग ग्लैमरस लाइफ से काफ़ी इंस्पायर्ड थे वो लोग शॉक में रहे. कुछ लोग तो भी सपोर्ट कर रहे थे, मतलब हमारे देश में ये चीज़ होती है अंधभक्ति, इट्स फाइन, बट एट द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड रिटेल पब्लिक्स मनी. वो अपने शेयर होल्डर की वैल्यू के बेसिस पे कर रहे थे, दैट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग एंड दिस इज वॉट ही डिड. सो दोस्तों, इस तरह से सत्यम का पूरा बवाल खड़ा हुआ. बाद में पता चला था कि इनने अपना लेटर लिखने से पहले 4 दिन पहले अपने शेयर्स बेच दिए थे. उनको पता था मैसिव फॉल आएगा. ऑडिटर जो इनके थे पीडब्ल्यूसी, उनको भी पनिशमेंट दी गई, 2 साल तक बैन कर दिया गया. लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि बाकी आईटी कंपनीज अपने ऑडिटर्स को जितना पैसा देती थी, ये सत्यम इनके ऑडिटर्स को डबल पैसा देते थे. बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, थोड़ा बदनामी, थोड़ा क्या, बहुत बदनामी इंटरनेशनल फ्रंट में भी हुई हमारी आईटी कंपनीज की. बट यहां से हमें 2-3 चीजें जरूर सीखने मिलती हैं. कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव में हमेशा याद रखिए, फ्लेम बॉयंट नेचर इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर कंपनीज. दैट्स नंबर 1. सेकंड, थोड़ी बहुत आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करें. एंड डोंट वरी, काफी लोग पूछ रहे कोर्स कब आ रहा है, कोर्स कब आ रहा है. तो एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग का कोर्स मैक्स बाय 2nd week of July आ रहा है अपने चैनल पे. उस पे फर्स्ट 200-300 पीपल को आई विल प्रोवाइड अ 20% ऑफ ऑल्सो, बट दिस विल बी जस्ट फॉर फर्स्ट 200-300 पीपल. तो वो आएगा, इधर आप स्टे ट्यून्ड रहिए, आई विल अनाउंस नेक्स्ट. जो हमको तीसरी चीज़ यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सीखने मिली है कि जस्ट बिकॉज मार्केट किसी चीज़ को हाइप कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने सेंसेस भूल जाएं. हमें अपना लॉजिक लगाना चाहिए. अगर हमको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा रनअप में लग रही है तो उससे हमको संभल के रहना चाहिए. दोस्तों, जाते जाते कमेंट सेक्शन में, जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाता है, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, पहला कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, दैट्स नंबर 1. दूसरा, नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए. आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है अभी फिलहाल. पहला है हेज फंड, बिकॉज हेज फंड का काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा है, इसलिए हमने ऑप्शन रखा है उसका, हेज फंड. और दूसरा है करंट मार्केट सिनेरियो, इस मार्केट सिनेरियो में कैसे, जिस पे ज़्यादा वोट आएंगे अगला वीडियो उसी पे आएगा. एंड वी आर टारगेटिंग एटलीस्ट 15,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो फॉर द नेक्स्ट स्कैम पार्ट. अगर कुछ भी पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग.